मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक सोमवार को यानी आज होगी। इस बैठक में महाधिवक्ता के मनोनय के साथ ही विधानमंडल के बजट सत्र की संभावित तिथि के साथ ही दूसरे अन्य प्रस्ताव पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। रविवार की शाम नीतीश कुमार के साथ भाजपा और जदयू के विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ ली। कहा जा रहा है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होगा। परंपरा के अनुसार सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक होती है, लेकिन किसी कारण से शपथ ग्रहण के बाद यह बैठक नहीं हो सकी। मंत्रिमंडल विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को सुबह 11:30 बजे से है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उनके साथ ही इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा के साथ मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, प्रेम कुमार, सुमित सिंह और संतोष कुमार सुमन शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार एक बार फिर से गृह विभाग अपने पास ही रखेंगे। वहीं नई सरकार में सम्राट चौधरी को नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग, विजय सिन्हा को स्वास्थ्य और ग्रामीण कार्य विभाग, विजय चौधरी को संसदीय कार्य और वित्त विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास कार्य विभाग, प्रेम कुमार को कृषि विभाग, विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग सौंपा जा सकता है। वहीं इस बार संतोष कुमार सुमन और सुमित सिंह को किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार बिहार में कैबिनेट का विस्तार भी 5 फरवरी से पहले कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज मेरे साथ 8 अन्य लोगों ने शपथ ली है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुमत सिद्ध करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।